राजस्थान में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज 199 कोरोना के पॉजिटिव मामले राजस्थान से सामने आए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 15,431। जयपुर से निवासी, धौलपुर से 49, भरतपुर से 14 केसेस सुबह से सामने आ गए। भीलवाड़ा और सिरोही से 10-10, बाड़मेर में 6, झुंझुनू से 4, अलवर से 7 और झालावाड़ अजमेर जिले से 3-3 कोरोना पॉजिटिव पिछले 12 घंटे में। दौसा से 1, कोटा में 2 और बाहरी राज्य का भी 1 व्यक्ति कोरोना का संक्रमित पाया गया। आपको बता दें कि कोरोना से अब तक 356 लोगों की मौत प्रदेश में हो चुकी है और लगातार जो दायरा है राजस्थान में कोरोना के संक्रमण का वो बढ़ता जा रहा है। और भरतपुर से अधिक जानकारी के साथ एवं संवाददाता राजेंद्र जति फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र बताएं, भरतपुर की फिलहाल क्या स्थिति है? जी जयटी, मैं बताना चाहूंगा कि भरतपुर में कोरोना का कहर जारी है, कोरोना विस्फोट लगातार जारी है, लगातार केसेज आ रहे हैं पर डे और एक महीने के अंतराल में इस केसों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है जी। आज भी भरतपुर जिले में 16 पॉजिटिव केसेज मिले हैं, जिनमें से 13 केस जो है भरतपुर शहर के ही हैं। शहर में आजकल सर्वाधिक केसेज मिल रहे हैं, शहर के बाद कुम्हेर और अन्य क्षेत्रों में भी मतलब केस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि भरतपुर में जो मौतों की संख्या है वो भी बढ़ी है इस दौरान, और अब तक जो है 32 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में। इसको लेकर के जो हालांकि जिला सीएमएचओ और जिला प्रशासन का ये भी कहना है कि इसमें जो रिकवरी रेट है स्वस्थ होने वाली वो रेट अच्छी काफी ठीक है और लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। 963 लोग जो है 1372 में से स्वस्थ हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। और इस अब तक जो अन्य राज्यों से जो माइग्रेट आए हैं या जो श्रमिक आए हैं या बाहर के लोग जो आए अन्य राज्यों से, उनके पॉजिटिव की संख्या 225 इन्होंने बताई है। और बाकी का कोरोना का जो कहर है वो भी लगातार जारी है और केसेज बढ़ी रहे हैं भरतपुर शहर में, भरतपुर जिले में जी। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि जब तक हालांकि सरकार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से कोरोना जागरूकता को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है, 3 दिन से लगातार अभियान चल रहा है। कल प्रभारी मंत्री भी आए थे और विभिन्न विभागों की समीक्षा ली है, रैली भी निकाली है। आज भी जिला कलेक्टर नथमल जडेल और अन्य अधिकारी जो है इंडस्ट्री एरिया में गए, सिमको फैंगन फैक्ट्री में भी वहां लोगों को शपथ दिलाई है, उनको जागरूकता का एक अभियान का प्रचार किया है, प्रचार सामग्री वितरण की है। लेकिन जब तक शहर में और अन्य जगहों पर भी थोड़ा सा ये रहेगा तो जब इसका असर काफी कम होने को देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल लोगों को जागरूक और की जो एडवाइजरी है उसको ज्यादा समझने की जरूरत है और बचाव भी इसका सबसे बड़ा उपाय बताया गया है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र। लगातार प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। 199 कोरोना के पॉजिटिव केसेस और अधिक दर्ज किए गए राजस्थान से। और धौलपुर से एवं संवाददाता मुनेश ठाकरे अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मुनेश, बताएं धौलपुर की फिलहाल क्या स्थिति है? जी जयती, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 49 कोरोना के पॉजिटिव केस मिलने से जिला प्रशासन एवं चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और ये लगातार स्थिति एक सप्ताह से बनी हुई है। इस तरह से धौलपुर में देखा जाए तो अब तक 464 मरीजों का आंकड़ा पहुंचने से इसकी जो जिला प्रशासन की चिंता है वो बढ़ गई है और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद बना हुआ है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मुनीश। प्रदेश में 199 कोरोना के पॉजिटिव मामले आज भी सामने आए। जयपुर से सबसे ज्यादा केसेस सामने आए, निवासी केसेस आज बता रहे हैं आपको। और झुंझुनू से एवं संवाददाता सुजीत शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत बताएं झुंझुनू की फिलहाल क्या तस्वीर? बिल्कुल, झुंझुनू के अंदर भी कोरोना का संक्रमण है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। झुंझुनू के अंदर आज 4 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं जो कुल मिलाकर 318 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है, जिसके अंदर 2 गुड़ागोर्जी के, जिसमें 1 चिकित्सक समेत 2 का हिसाब वो गुड़ागोर्जी के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिला है। और साथ ही जो एक चौरा का जो 70 वर्षीय बुजुर्ग था उसकी जयपुर के अंदर कोरोना पॉजिटिव था, उसकी आज मौत भी हो चुकी है। झुंझुनू के अंदर देखा जाए तो कोरोना पॉजिटिव की मौत का यह दूसरा मामला है। जी सुजीत, स्वास्थ्य इंतजामों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किस प्रकार के इंतजाम है अभी? जी जैसी बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, इंतजाम की बात की जाए तो झुंझुनू के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम है। गुड़ागोर्जी के अंदर अभी एक ही परिवार के 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने गुड़ा क्षेत्र के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुजीत।
प्रदेश भर से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी, 199 केसेस सामने आए और कोरोना की जो संख्या है प्रदेश में वो 15,431। राहत की बात यह है कि इसमें से बड़ी संख्या 11,000 से भी अधिक की संख्या वो है जो कि रिकवर हो चुके हैं। पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान रिकवरी रेट में और लगातार प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार भी कोरोना से जंग जीतने के लिए। जनता का सहयोग भी अपेक्षित है और जनता से यही अपील है कि तमाम सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। 15,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस पहले बताए जा रहे थे, लेकिन 15,000 से बहुत बड़ी संख्या वो है जो कि ठीक हो चुकी है, रिकवर हो चुकी है। 11,000 से ज्यादा वो आंकड़ा है और प्रदेश भर में कोरोना का जो संक्रमण है उसके रिकवरी रेट ने भी अपनी रफ्तार को पकड़ा है। संक्रमित मरीजों की संख्या 15,431 और 199 कोरोना के नए पॉजिटिव मामले भी दर्ज किए गए। राजधानी जयपुर से सबसे ज्यादा निवासी कोरोना के मामले दर्ज किए गए। लगातार जो संक्रमण का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट भी काफी ज्यादा है। और प्रदेश में कई प्रकार की रणनीति यहां प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। जागरूकता अभियान का आगाज हो चुका है, 30 जून तक जागरूकता लोगों के अंदर बताने के लिए और लोगों को बताने के लिए इस प्रकार से इसे जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है और डरने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके चलते देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।